आप अच्छी अच्छी चीज लेते हो, घर ले आते हो और ये थैला पन्नी यही छोड़ के आते हो, कच्चे भी यही छोड़ के जाते हो। देख सकते हो कितनी गंदगी फैला रखी है, चार पाँच हो जाते हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है, अपना खर्चा निकल जाता है भाई जी। गंगे भाई हमारा खर्चा दे देते हैं, इतना तो देते। सिक्के ही मिल जाते, सोना चांदी चढ़ाते वो ही मिल जाते हैं। चांदी होता है, सोना होता है, ऐसे यात्री को गिर जाता है, यात्री को चढ़ाता है, श्रद्धा की बात होती है। लगभग हमने बचा लिया 20-21 बंदों को बचा। मर गया था, जीवित था? नहीं, जिंदा था। जिंदा था, पी लिया था हमने बस। अच्छा, देखिए भाई जी, हम यहाँ पे गोताखोरी करते हैं, सिक्के निकालते हैं, डूबने वालों को बचाते हैं, जो डूबता है ना उसे हम बचाते हैं। यहाँ पे हरिद्वार में हम गोताखोरी करते हैं। मैया की जय। भाई देखो, और पीछे कब कूदा हुआ आदमी तुमने निकाला? हमने तुमने हम यही अगले 4-5 दिन हो गया, हाथी पुल से एक लड़का निकालता डूबता हुआ। अच्छा, वो निकाल दिया था? हाँ। मर गया था, जीवित था? नहीं, जिंदा था। जिंदा था, पी लिया था हमने बस। अच्छा, तो आपने पानी निकाल दिया उसका? पेट में से पानी। आपको आता है ये सब? वाकई आता है। तो आप अगर कोई डूब जाता है उसको बचाने का क्या लेते हो? श्रद्धा की बात होती है यात्रियों की, जबरदस्ती। आप अपनी तरफ से सेवा कर देते हो? हाँ। तो क्या आपको डर नहीं लगता जान का? नहीं लगता? डरना आता है भाई। अभी तक कितने लोगों को आपने बचा लिया होगा? लगभग हमने बचा लिया होगा 20-21 बंदों को बचा। 20-21 बंदों को, क्या बात है। नाम क्या आपका? शिवम है। शिवम यहाँ पर गोताखोर है गंगा मैया के पास, इसने कम से कम 20-21 लोगों को जान से बचाया है। और शिवम अपना रोजगार चलाने के लिए यहाँ से सिक्के भी निकालता है और इसी तरीके से लोगों की मदद भी करता है। अभी शिवम हमें थोड़ा सा अपना टैलेंट दिखाएगा, कर्तव्य दिखाएगा गोताखोरी का, सिक्के का। तो आप लोगों का कार्ड बना हुआ है यहाँ? हाँ जी। कहाँ? सरकारी कार्ड? पुलिस वालों की तरफ से बना हुआ हमारे लिए। तो उसके लिए एंट्री वेंट्री होती है? जैसे तुमको कुछ करके दिखाना पड़ता है कार्ड के लिए? जैसे कोई यहाँ पे आसपास में कोई बंदा डूब जाता है ना, तो हमें गोते मार के निकालना पड़ता है। अच्छा, जिसके पास कार्ड होता है उसी को अलाउड होता है? अच्छा, तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? इसके ऊपर से जाएंगे, नीचे कूदेंगे। अच्छा, आप कूदोगे यहाँ से? क्या बात है। मैया की जय। भाई देख के, गंगा मैया की जय। क्या बात है, क्या कूद मारी तू? क्या बात है, गंगा मैया की जय तो बोल दे। जय गंगा मैया की। क्या बात है तेरी। एक और जा रहा। भाई कोई लाइफ जैकेट नहीं है, कुछ नहीं है, ये टैलेंट है, टैलेंट। जय गंगा मैया की और गंगा मैया का आशीर्वाद है। और कोई जाएगा भाई? लोग बताएं, देख सकते हैं भाई जी, अभी हम कूदे थे और देखो कि तेल दिया आगे दे। अरे 2 मिनट में बच्चा गंगा मैया की जय करके कूदा, कम से कम नहीं तो ये 70-80 फुट होगा। 70-80 फुट से गंगा मैया की जय करके कूदा, फटाफट स्विमिंग करके आ गया। ये भाई का टैलेंट है, तो भाई से सर्विस आपको अच्छी मिलेगी। क्या बात है, बोलो गंगा मैया की जय। 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया। तेरा बैंक बैलेंस कितना है? मेरे भाई का 4-5 हो जाते हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है। अपना खर्चा निकल जाता है भाई जी, गंगे भाई हमारा खर्चा दे देते हैं, इतना तो देते। पूरा दिन आप गंगा मैया में रहते हो? ठंड नहीं लगती? लगती है थोड़ी बहुत, धूप सेकने के लिए बाहर आ जाते हैं। जुकाम बुखार नहीं होता? कब से कर रहे हो? बचपन से। जितने थैला पन्नी है वो सारा थैला पन्नी आप यहाँ पे छोड़ के जाते, देखो कितनी गंदगी होती है गंगे माई के किनारे के पास, इतनी गंदगी अच्छी नहीं लगती। आप अच्छी अच्छी चीज लेते हो, घर ले आते हो और ये थैला पन्नी यही छोड़ के आते हो, कच्चे भी यही छोड़ के जाते हो। देख सकते हो कितनी गंदगी फैला रखी है कचड़े पन्नी में, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है क्या गंदगी देख के। ये कचड़े और डस्टबिन में डालोगे तो कितना साफ रहेगा। आप अरे क्या बात है, इतने सारे सिक्के। अरे क्या बात है। अच्छा, एक है सिक्का तो हमारे को लगा। अरे क्या बात है, क्या बात है। ये भाई ने एक ही डुबके में 5, 10, 15, 20, 25, 26 रुपए निकाले। भाई के लिए तालियां, बहुत बढ़िया। किशन ने 25 रुपए निकाले एक डुबकी में। अभी शिवम देखते हैं कि कितने रुपए निकालता है। शिवम दोबारा से जा रहा है, पिछली बार से उनके हाथ में पत्थर लगे हैं। ये हमारे हरिद्वार के टैलेंटेड गोताखोर है। अरे डूब गया, डूब गया, गया गया गया। आप आगे शिवम, फिर से पत्थर लगे तेरे हाथ में? कोई नहीं, नहीं सिक्के हैं, सिक्के हैं। 15 रुपए, क्या बात है। ये शिवम ने 5 डुबकियां मारी पर शिवम ने हिम्मत नहीं हारी। 5 डुबकियों बाद ये सिक्के निकाल के आया। यही सिक्के हैं जो शिवम जैसे लोगों का रोजगार चलाते हैं।
तो जो भी लोग, जो भी श्रद्धालु गंगा माँ में सिक्के फेंकते हैं वो ये मत सोचे कि वो सिक्के खराब होते हैं, इन बच्चों का उनसे गुजारा चलता है, तो सिक्के फेंकने की श्रद्धा चालू रखिए, आपका वो सिक्का दान में जाता है, ये बच्चों के काम आता है। देख सकते हैं भाई जी, अभी आपने वहाँ से कूदते हुए देखा मैंने, और आपको आपको तैरते हुए दिखाया मैंने, जो आप डूबता है उन्हें बचाता हूँ मैं, है ना। आप मेरा नंबर ले लो और मेरे को संपर्क करना कि ये फोन करना, आपकी श्रद्धा होगी, श्रद्धा से पैसे लेते हैं, आपसे ज्यादा नहीं मांगेंगे। नंबर क्या आपका? मेरा नंबर 70 55 99 99 50। और आप कहाँ मिलते हो? मेरा आप फोन कर देना, आप जहाँ पे बुलाओगे वहाँ पे आ जाए। हर की पौड़ी के पास अगर आपको कोई भी दुविधा हो, कभी कोई शरारती करते करते तैर जाता आगे निकल जाता है, तो शिवम से संपर्क करो, शिवम और उसकी टीम यहीं पे रहती है, आप लोगों को बचाएगी, इनका कोई मांगने का पैसा नहीं है, आप दो तो भी ठीक है, नहीं दो तो भी ठीक है, पर श्रद्धा अनुसार कुछ जरूर देना बच्चे की। बोला गंगे मैया की जय।